हेलो गाइस, दिस इज़ दीपक एंड वॉचिंग नाउ बी परफेक्ट चैलेंज। तो गाइस, आज जो मैं मिशन कंप्लीट करने जा रहा हूँ उसका नाम है रोबिंग अंकल सैम। तो इस मिशन को लेने के लिए सिंपली हम लोग चलते हैं रेडर के घर। एंड गाइस, आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज बता देता हूँ, ये जो मिशन है ये रेडर द्वारा लास्ट मिशन है इस गेम के अंदर। एंड अब हमें इसके बाद रेडर के द्वारा कोई भी मिशन नहीं मिलेगा। हे राइडर, ये साड़ा तो बिल्कुल धुत हो रखा है। राइडर, हे इसी जी, अबे तू है क्या? अच्छा, तू जानता है मैंने हाई स्कूल पूरा क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई तू 10 साल की उम्र से ही ड्रग्स का धंधा कर रहा है। नहीं भाई, ये वजह नहीं है। शायद क्योंकि किसी टीचर ने बल्लास गैंग के कलर के कपड़े पहने हो और उसे तूने पीट दिया हो। नहीं, ये कारण भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ भाई, तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही होशियार हूँ इतना गधे। ओ ये है, मैं एक जीनियस हूँ। ओ अच्छा, ऐसा है क्या? किसी से भी ज्यादा किसके पास हथियार है? किसके पास सारे हथियार है? हाँ हाँ, एक बंदा जिसके पास ढेर सारे गने। यार मुझे नहीं पता। आर्मी के पास गधे, आर्मी। चल चलते हैं। ओ ये भाई बिल्कुल सही। अच्छा ये ले, तू भी कश लगा ले। अबे लगा ले। फिर मुझसे हटा यार इसे, तुझे पता मैं ऐसी घटिया चीजें नहीं लेता। अरे पी लेना। तुझे लगता है तू हम दोनों को मारे बगैर इस वैन को चला लेगा? अरे राइडर, हम जा कर रहे हैं ओशन डॉग्स। हमें वैन कैसे मिली? जब मैं आया था तब तो ये बाहर नहीं थी। मेरा दोस्त एलवी, जो कि काफ़ी भरोसेमंद है और बिल्कुल निंजा की तरह तेज, तेरे जैसे धोखेबाजों की तरह नहीं है। बस कर भाई, मैं अपने छोटे भाई को खो चुका हूँ और अब अपनी माँ को भी खो चुका हूँ। यह फ़र्क नहीं पड़ता कि शहर ने तुम्हारे ऊपर कितने जुल्म किए, बस तुम्हें हमेशा अपने होमिस के साथ रहना चाहिए। बिल्कुल भाई। यही जगह है नेशनल गार्ड डिपोर्ट। भाई ये तो सच में खतरनाक है, क्या हम ये कर पाएंगे? ये तो नेशनल गार्ड है गधे, वीकेंड सोल्जर्स, ग्रूव स्ट्रीट वालों से इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो भाई यहाँ पर राइडर के इस हौसले से सीजे के अंदर काफ़ी जान आ गई है। एंड अब ये जा रहा है अकेले अपनी जान को जोखिम में डाल के। तो सिंपली इस गेट को पार करके इस गार्ड को मेरे को मार देना है। एंड अब मेरे को यहाँ पर गोली मार के गेट ओपन कर लेना है। साबास सीजे, मुझे तो लगा ये हमारा आखिरी मिशन है आज। सीजे वेरा उसको खोल दे और इन सालों को सबक सिखा। दरवाजा खुल गया, राइडर जल्दी करो। तो यहाँ पर मैंने आसानी से इन बंदों को मार दिया, गार्ड्स को। खैर इनको मारना काफ़ी इजी था क्योंकि मैंने एम तो ऑटो पे सेट कर रखा है। एंड अब मेरे को सिंपली फॉर्कलिफ्ट पर बैठ जाना है एंड जितने भी वो जो डब्बे हैं जिनमें हथियार हैं उन सबको इकट्ठा करना जल्दी जल्दी। मैं यहाँ निगरानी रखूंगा जब तक तू फॉर्कलिफ्ट से क्रेट्स को इकट्ठी कर रहा है। अच्छा भाई, जल्दी से सामान को लोड कर। अरे नहीं सीजे, जल्दी कर। बाहर की साइड भी क्रेट्स रखी है सीजे। भाई ये वीकेंड सोल्जर तो बहुत मार रहे हैं। भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है, ढंग से पील लें। इतना बहुत है सीजे, निकलते हैं यहाँ से। सीजे तू ड्राइव कर और यहाँ से जल्दी से निकाल। तो गाइस फाइनली काम हो चुका है खत्म। एंड मैंने सारी क्रेट्स को इकट्ठा कर लिया है। एंड सिंपली मेरे को अभी इस वैन के अंदर बैठना है एंड राइडर को यहाँ से लेके निकलना है। हमें विल्लो फील्ड की तरफ जाना है, लॉकअप की तरफ। विल्लो फील्ड में एलवी का स्टोरेज गैराज है, वहीं चलते हैं, जल्दी करो। अरे नहीं, ये साले गधे तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। पीछे क्या हो रहा है भाई? ये पार्ट टाइम सोल्जर्स हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। बहुत बढ़िया भाई, अच्छा गाया। अच्छा वजन ज्यादा है, कुछ क्रेट्स को नीचे गिरा दो। अच्छा ठीक है, अभी चेक करता हूँ। तो हॉर्न बजियो, वैसे ही मैं क्रेट नीचे गिरा दूंगा। तो गाइस जैसे मैं हॉर्न बजाऊंगा ये मतलब जो राइडर है वो क्रेट्स को नीचे थ्रो करेगा एंड बम ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल अब मैं जल्दी से इनसे पीछा छुड़ाता हूँ।
अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा जब तक कि तुम्हें नशा नहीं छोड़ देते भाई। ये तुम्हारे दिमाग को ख़राब कर रहा है। कुछ भी कह के दे, तुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। इसका क्या मतलब है? मैं तेरी बकवास नहीं सुन रहा हूँ अब, बिल्कुल भी नहीं। हमें गन्स मिल गई और तू गैंगस्टर नहीं है भाई। तुम चाहते हो कि सब कुछ आसान हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं आए, और मैंने इसको सच किया। तुम जानते हो तुमसे नहीं होता अगर तुम्हारे गालों पे लगता, जो कि हो सकता था अगर तुम्हें पहले लगती। मैं तुझे नहीं सुन रहा हूँ काल। ये थोड़ा मुश्किल था। मुश्किल? ये खतरनाक था भाई। तू कहता है कि तू होमीज के साथ है, पर तू हमेशा शिकायत करता रहता है। सो गाइस, यहाँ पे मिशन हो चुका है कंप्लीट, एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये गेम प्ले पसंद आया होगा। तो गाइस, कुल मिलाकर इस मिशन में ये था कि जो राइडर है वो सीजे को टास्क देता है कि उन्हें नेशनल गार्ड डिपोर्ट जाना है एंड वहाँ से हथियार चुराना है आर्मी वालों से, ठीक है। तो अब बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।